मध्य प्रदेश की डेली ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 2,936 नए केस, 60 मौतें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू हो रहा है। रात की बात यह कि मई के महीने में नए केस में हर दिन कमी आ रही है। 24 घंटों में 2,936 नए केस मिले हैं, जो पिछले 50 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 2 अप्रैल को 2,839 केस मिले थे। संक्रमण दर भी घटकर 4% से नीचे आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन गाइडलाइन के मुताबिक ये 3% होने चाहिए, तब ये माना जाएगा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया। प्रदेश में ये स्थिति लगभग बन गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 53,653 हो गई है। 10 मई को प्रदेश में 111,366 एक्टिव केस थे। पिछले 24 घंटों में 6,989 मरीजों स्वस्थ हुए। कुल स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अब 7,06,000 हो गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 7,67,000 से ज़्यादा हो गई है। कोरोना से अभी तक 7,618 मौतें हो चुकी है, इसमें 23 मई को हुई 60 मौतें भी शामिल है। सागर में सीएम का ऐलान, कोरोना से अनाथ बच्चों की पेंशन योजना 30 नवंबर से शुरू होगी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर पहुंचे। सीएम ने पौधरोपण के बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ कोरोना की समीक्षा शुरू की। समीक्षा बैठक में सागर संभाग के छतरपुर, टीमागढ़, पन्ना, दामों और निवाड़ी जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए योजना बनी है। उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा और राशन दिया जाएगा। सभी कलेक्टर्स ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर ले। 30 नवंबर से मैं इस योजना को प्रारंभ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने 13 मई को की थी। इसके बाद सरकार ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। इसके अलावा सीएम ने कहा कि हम 31 मई के बाद धीरे धीरे शहरों को खोलना शुरू करेंगे और टेस्टिंग जारी रहेगी। कोविड केयर सेंटर कोई नहीं मिटाएगा, जो सरकारी बने हैं वो भी चलते रहेंगे। जितने भी अस्पतालों में जो व्यवस्था है वे सरकारी और गैर सरकारी जितनी सुविधा है वे जारी रहेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा परीक्षाओं पर फैसला 1 जून को। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा कैसे और कब होगी इस पर निर्णय 1 जून को होगा। ये बात स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने सोमवार को कही है। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12वीं की परीक्षा की तैयारी पूर्व में ही कर ली गई है। फिलहाल परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न से ही एग्जाम होंगे। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, इस योजना को लेकर दिए सुझाव। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना तथा आम जनता के लिए मुख्यमंत्री कोविड जन कल्याण योजना को लेकर कुछ सवाल किए और सुझाव दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आपदा सहायता के रूप में निर्माण श्रमिकों के खातों में अंतरित करेंगे 112 करोड़ की राशि। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान आपदा सहायता राशि के रूप में 11,28,130 पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में मंगलवार को 112 करोड़ की राशि टीवीडी के माध्यम से अंतरित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख सचिव श्रम सचिन सिन्हा ने बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत असंगठित निर्माण श्रमिक 2 मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत श्रमिकों आपदा राशि के लिए पंजीयन किया गया। वर्तमान में मंडल के अंतर्गत 11,28,130 श्रमिक पंजीकृत। इन श्रमिकों कोरोना संक्रमण के दौरान आपदा सहायता राशि के रूप में प्रति श्रमिक 1,000 रुपये की राशि प्रदाय की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 25 मई को श्रमिकों खातों में वर्चुअली ये राशि अंतरित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिर बड़ी सख्ती, अंतर्राज्यीय बस सेवा 31 मई तक स्थगित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है और 1 जून से अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% पर पहुंच गई है, लेकिन संक्रमण फिर न बढ़े इसके लिए लगातार सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों के हालातों को देखते हुए यूपी समेत 4 राज्यों की बसों की एंट्री पर लगी रोक को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की ओर जाने और वहां से आने वाली बसों का संचालन पूर्ण रूप से 31 मई तक स्थगित कर दिया गया। स्थगन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दी गई है।
बिजली उपभोक्ताओं को रात रेगुलर केस काउंटर फिर से खुलेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली बिल जमा करने के लिए केस काउंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी का सामना करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आवश्यकता अनुसार केस काउंटर बंद कर दिए गए थे। इस दौरान लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने का विकल्प दिया गया था। जी हां दोस्तों, अब स्थितियों में सुधार को देखते हुए कंपनी ने केस काउंटर को दोबारा खोलने के निर्देश मैदानी अमले को दिए हैं। कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता को केस काउंटर पर यथासंभव कंप्यूटर जनरेटर रसीद प्रदान की जाए। POS मशीन के माध्यम से केस काउंटर पर राजस्व जमा कर कार्य सुनिश्चित किया जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। कमलनाथ की आग लगा दो पर CM शिवराज की कड़ी निंदा, सोनिया गांधी से पूछा ये सवाल है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आग लगा दो वाले वायरल वीडियो को लेकर प्रदेश में सियासी तेवर गर्म है। अब CM शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए सोनिया गांधी से पूछा है कि क्या वे इस बयान से सहमत है। जी हां दोस्तों, CM शिवराज ने कहा कि कोरोना संकट काल में कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है, इससे लेकर कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। CM ने कहा कि इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था तो आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। ये महामारी का समय है, युद्ध का समय, और युद्ध के समय जनता का साथ देने की वजह, सरकार के साथ खड़े होने की वजह कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप और आपकी पार्टी लगी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ CM ने सोनिया गांधी से पूछा है क्या वे इस बयान से सहमत है। उन्होंने कहा कि मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ के आग लगाने वाले बयान से क्या वे सहमत है, क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने ये बयान दिया, क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से आप सहमत है, आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा मूंग, केंद्र ने दी सहमति। जी हां दोस्तों, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदे जाने का मार्ग प्रदर्शित हो गया। पटेल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। मंत्री कमल पटेल ने बताया केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को मंजूरी प्रदान कर दी है। कमल पटेल ने बताया कि हरदा और होशंगाबाद में 3,33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मूंग की फसल किसानों ने लगाई है। संपूर्ण बुंदेलखंड को 31 मई तक करें कोरोना मुक्त। जी हां दोस्तों, संपूर्ण बुंदेलखंड को 31 मई तक कोरोना मुक्त करके शर्तों के अनुसार अनलॉक करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति फैले भ्रम को जागरूकता अभियान चलाकर दूर करना होगा और तीसरी लहर के लिए हम सभी को जागरूक रहने की आवश्यकता, ये बात है CM शिवराज सिंह चौहान ने सागर संभाग की क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में सदस्यों से चर्चा करते हुए कही। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जून से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कराने के पश्चात कुछ लोगों को हल्का बुखार आता, परंतु इस हल्के बुखार से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये अन्य किसी वैक्सीनेशन के बाद होने वाली आम प्रतिक्रिया है। जी हां दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है, इसको लेकर मंगलवार को भोपाल में बैठक कर वैक्सीनेशन को और सुलभ एवं सरल करने के लिए समीक्षा की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।